नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं, आज दूसरा दिन है जब सरकारी बैंक के एम्प्लॉयज, करीब 60,000 एम्प्लॉयज जो हैं, देश भर में हड़ताल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाई दे रही हैं, कोटा से दिखाई दे रही हैं, बिहार से दिखाई दे रही हैं, महाराष्ट्र के कई शहरों से दिखाई दे रही हैं, और लगातार ये हड़ताल हो रही है दोस्तों पिछले दो दिनों से। आज दूसरा दिन है, मगर आपने इसकी सुख बुगाहट किसी गोदी मीडिया में नहीं सुनी होगी। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 2014 से पहले दोस्तों जब भी ऐसी हड़तालें होती थी तो बतौर पत्रकार, मुझे याद है मैं जिन चैनल्स में काम करता था वो सुर्खियों का हिस्सा होती थी, सेकेंड हेडलाइन, थर्ड हेडलाइन हमेशा। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। मुद्दा यह नहीं है कि देश के लिए प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं है, मुद्दा यह है कि अगर लोग अपनी वाजिब मांगों के साथ देश की जनता के सामने आ रहे हैं तो उनकी आवाज को तो कम से कम आप दिखाओगे। इस देश के किसानों ने इस देश की मीडिया को एक्सपोज किया, सरकार को एक्सपोज किया, और हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि मुद्दा यह नहीं कि आप मेरे हड़ताल करने वाले मुद्दे से सहमत हैं या नहीं, आपको मुझे हड़ताल करने का हक देना पड़ेगा, क्योंकि एक लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा रही है, एक हेल्दी ट्रेडिशन रहा है, उसके अंतर्गत यही होता है दोस्तों कि अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो हमें उसे सुनना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। हड़ताल करने वाले को हम देशद्रोही तो नहीं बता देंगे ना। तो जैसे कि मैं आपको बतला रहा था दोस्तों, आज दूसरा दिन है और निजीकरण के खिलाफ इनकी ये हड़ताल हो रही है। आज मैं आपको आवाजें सुनाने वाला हूं उन हड़तालियों की, और उनसे जुड़े कुछ मुद्दे आपके सामने लाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सरकार जो है इसी सत्र में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 न सिर्फ पेश करने वाली है बल्कि उसे पारित भी करा देगी। अब आप कहेंगे, अभिसार जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पारित भी करा देगी, तो आप भूल गए किसान बिल को किस तरह से इन्होंने पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में ठूस दिया था, जबकि राज्यसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं था बगैर चर्चा के, और फिर जब वापस लिया था तब भी उस पर चर्चा नहीं कराई। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि अगर सरकार का मन होगा तो इसे साफ तौर पर वो पारित कर देगी। दोस्तों आज मैं आपके सामने उन बैंकर्स की आवाज लेकर आया हूं जो इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि देश की जनता सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज जो वो मुद्दा उठा रहे हैं ना, उसका सीधा ताल्लुक आपसे और हमसे है। यह सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप इनकी आवाजें सुने। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस व्यक्ति को सुने। उन्होंने कहा है कि देखिए, किसानों ने इस देश को राह दिखाई है, क्योंकि पिछले 7 सालों से क्या हो रहा था कि हड़ताल करना मानो एक गुनाह हो गई थी, मगर किसानों को जिस तरह से सफलता मिली है उसने सही मायने में राह दिखाई है, और अगर सरकार नहीं चेती तो ये सिर्फ 2 दिन की हड़ताल नहीं होगी, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, सभी चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो बेसिकली ये स्ट्राइक हम आम जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन आम जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ों को अगर प्राइवेट कर देंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी। जो राष्ट्रीयकरण की नीति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनाई थी तो उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, देश को कहाँ से कहाँ तक लेके गए वो, और ये तो उल्टे उसको प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, जहाँ इन्होंने उनको स्ट्रोंग करना चाहिए था उसके विपरीत करते जा रहे हैं। और जहाँ तक स्ट्राइक की बात है, 1 या 2 दिन की स्ट्राइक ये तो एक आई ओपनर है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट इस स्ट्राइक से भी नहीं चेती तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए भी जाएंगे, क्योंकि हमें अपने और देश के हित के लिए आगे सोचना है और इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना है। जिस तरह से किसानों ने हमें राह दिखाई है, हमने उनको सपोर्ट भी किया, आज किसान भी हमारे साथ हैं, आम पब्लिक भी हमारे साथ है, और इस लड़ाई को हम यहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को दिखा देंगे कि संघर्ष क्या होता है। मैं चाहूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया की मीनाक्षी को आप सुने। मीनाक्षी ये कह रही है कि देखिए, बैंक जो होता है ना, खासकर सरकारी बैंक, वो इस देश के गरीब के लिए है,
ये सरकार ये नारा लगाती है कि सबका साथ सबका विकास, हम तो सबका साथ सबके विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सुनिए मीनाक्षी अपनी बात क्या कहना चाहती हैं। निजीकरण से एक्चुअली हमारा जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा बैंकर देशवासियों का होगा, जो गरीब लोग हैं हमारे, जिनके 100-100 रुपए के अकाउंट हम लोग देखते हैं, हर किसी को हम एक ही तरह ट्रीट करते हैं चाहे कोई भी हो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मोदी जी किस तरफ जा रहे हैं, एक तरफ वो बोलते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, तो सबका साथ सबका विकास तो मुझे दिख नहीं रहा, सबका साथ सबका विनाश ज़रूर दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूज क्लिक कई आम लोगों से भी मिला जो वहां मौजूद थे, और उनका यह कहना था कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर मोदी सरकार कई भ्रामक मिसलीडिंग बातें कर रही है जिनका कोई तर्क नहीं है। वो आदमी क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं आप सुने। माय नेम इज रघुवंश त्रिवेदी और मैं एक बैंकर नहीं हूँ, बट मैं एक बैंक सरकारी बैंक में मेरा डिपॉजिट है, बट मेरे दिमाग में और जनता के दिमाग में यह बैठाला गया है कि सरकारी बैंक को प्राइवेट करने से जो टैक्स का पैसा है वो बचेगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी 4 दिन पहले ढाई लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 उद्योगपतियों का माफ़ किया है, वो किसका पैसा है? वो हमारा और आपका टैक्स पेयर मनी है। तो ये दिमाग गवर्नमेंट गलत बोलती है कि ये टैक्स पेयर मनी का लॉस हो रहा है इसलिए गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट किया जाएगा, जबकि ये 2.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ करके ये टैक्स पेयर मनी का लॉस गवर्नमेंट करा रही है, ना कि बैंक कर। और दूसरी चीज़, हम लोग एज ए एम्प्लॉई 10 लाख एम्प्लॉई हैं, IT रिटर्न्स भरते हैं, हम लोग खुद एक टैक्स पेयर हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। दूसरी तरह एज ए बैंक के हिसाब से देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बैंक का है 16 लाख करोड़ रुपया होता है, 16 लाख करोड़ रुपया, जिसमें गवर्नमेंट जो है GST भी लेती है ऑपरेटिंग, जबकि बैंक सरकारी है लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट 18% GST लेती है। तो ये गलत है, टैक्स पेयर मनी का लॉस कहीं भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, पब्लिक बैंक्स क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं, जो हड़ताली हैं उनका कहना है कि हाल ही के दिनों में यस बैंक में एक संकट हुआ था, तो यस बैंक को किसने उबारा था? पब्लिक बैंक्स के पैसे ने। ये जो मोदी जी के मेहुल भाई जो सरकारी बैंक्स का पैसा लेकर उड़ गए, या उनके अलावा जो अन्य भी लोग हैं, ये जो तमाम लोग सरकारी बैंक्स का पैसा लेकर उड़ गए, उसके चलते क्या हुआ है कि पब्लिक बैंक्स की सेहत लगातार बद से बदतर होती गई। वो कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में पब्लिक बैंक्स पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो उसकी वजह साफ तौर पर वो कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने हमसे पैसा लिया और पैसा वापस करने में डिफॉल्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक बैंक से जुड़े इस कर्मचारी को सुने। उनका यह कहना है कि प्रॉफिट के लिए ये पब्लिक बैंक्स नहीं होते, इनका मकसद देश के गरीब के प्रति भी है, जिम्मेदारी देश के गरीब के प्रति भी है। इसी बात पे सर, सरकारी हम इस जॉब में क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है हम इस जॉब में है सेवा करने के लिए। हमारा जो मोटिव रहता है, गरीब की सेवा भी है अमीर की भी है। बैंक की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया की जो गरीब को भी करती है और प्रॉफिट भी कमा के देती है। आप अगर देखिए, हमसे काफ़ी बार क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, अगर आप AIIMS जाके क्वेश्चन करने लगे कि आप कितना प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि फोर्टिस प्रॉफिट कमाने के लिए, AIIMS प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, तो सरकारी बैंक प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो देश की सेवा के लिए है। दोस्तों, अखिल भारतीय बैंक एसोसिएशन ने एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा दिया है जो मैं चाहता हूं आप देखें। उनका कहना है कि 1969 में, यानी कि 1969 में करीब 8000 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे और उनमें करीब 5000 करोड़ के डिपॉजिट्स होते थे। आज यानी साल 2021 में 1,18,000 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और इनमें 157 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स होते हैं। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अपना एक किरदार रहा है देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, और जब भी प्राइवेट बैंक्स में दिक्कतें पेश आई हैं, यही वो बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या हम इनकी आवाज को अनसुना कर दें? बिल्कुल नहीं। मगर आज मैं कुछ और तर्क आपके सामने लाना चाहता हूं। दोस्तों, आपने देखा मीडिया ने किस तरह से इस हड़ताल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मेरे ख्याल से कल मैंने NDTV में इस मुद्दे को लेकर खबर देखी, मेरे दोस्त रवीश ने इस खबर को उठाया था, मगर उसके अलावा मैंने किसी बड़े न्यूज चैनल को इस पर चर्चा करते नहीं देखा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब जनता का ध्यान हिंदू मुस्लिम डिबेट्स,
जिन्ना, शाहजहां, औरंगजेब, इन तमाम मुद्दों में अगर आपको उलझा कर रखा जाएगा ना, तो आपसे जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा ही नहीं होगी। देखिए, एक तरफ हड़ताल है, एक तरफ तो जो हड़ताली हैं उनकी समस्याएं हैं, और उस हड़ताल से जिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं वो एक दूसरा पहलू है। ये दोनों ही पहलू आपके सामने नहीं लाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पहलू आपके सामने आएंगे तो मोदी सरकार कटघरे में होगी, मोदी सरकार से जवाबदेही मांगी जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन बैंक के कर्मचारियों ने अपनी ताकत सड़क पर दिखाई ना, तो सबसे पहले क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। इन तमाम हड़तालियों को हमारे न्यूज चैनल्स देशद्रोही बताना शुरू कर देंगे। ये हड़ताली और इनकी क्या औकात है? इन न्यूज चैनल्स ने तो हमारे अन्नदाताओं, किसानों तक को देशद्रोही बता दिया था। यह बात अलग है, जैसे वो हिंदी में कहावत है ना, थूक कर चाटना। एक साल बाद फिर यही न्यूज चैनल्स ये बतला रहे थे कि इन तीन किसान के कानूनों को वापस लेने का क्या फायदा होगा, और यही न्यूज चैनल एक साल पहले इन किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। फिर एक साल बाद इन्होंने मोदी सरकार से यह सवाल नहीं पूछा कि आप आतंकवादियों के सामने क्यों झुक गए। समझिए इस खेल को। मैं आज ये मुद्दा सिर्फ उन बैंक के कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए नहीं उठा रहा हूं। इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे मीडिया दूर हो रहा है, और जानबूझकर दूर हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जैसे ही इन मुद्दों की भरमार न्यूज चैनल्स पर होगी तो हालात 2014 से पहले हो जाएंगे। क्योंकि 2014 से पहले चर्चा होती थी महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, लोगों के मुद्दों पर। वो तमाम चीजें जो हैं बौने पड़ गए हैं पिछले 7 सालों में। वो मुद्दे हैं ही नहीं आज की तारीख में प्राइम टाइम में, और नतीजा आपके सामने है। यही वजह है दोस्तों, इन आवाजों को कभी भी बुलंद नहीं किया जाएगा। आज इस मुद्दे को मैंने बोल के लब आजाद है तेरे में उठाया। क्यों उठाया मैं आपको बताता हूं। एक तो कार्यक्रम का फलसफा बोल के लब आजाद है तेरे। अगर आपका कोई मुद्दा है और अगर आपको लगता है जायज है, अगर आपके पास उस मुद्दे को जनता के सामने लाने के तथ्य हैं, जैसे कि आपने सुना पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो तमाम कर्मचारी हैं अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कितने खूबसूरत तर्क दे रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको उन मुद्दों को लेकर सामने आना पड़ेगा। मगर फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, व्यवस्था आपकी आवाज को दबाएगी, आपके मुद्दों को दबाएगी, बल प्रयोग करेगी, और उसके सामने टिकना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बैंक कर्मचारियों की बात सरकार सुनेगी, या कम से कम इस पर बहस शुरू करेगी, या कम से कम इन्हें मनाने का प्रयास करेगी। अगर सरकार को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ही इस देश की तमाम दिक्कतों का समाधान है, मगर जैसे मैंने कहा ना, बहस होनी चाहिए, सार्थक और स्वस्थ बहस होनी चाहिए। आपसे बहस करने वाला देशद्रोही नहीं हो जाता, हिंदू विरोधी नहीं हो जाता, वो भी इस देश का नागरिक है, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है। उसके मुद्दों को ऐसे मत कुचलिए, ऐसे मत नजरअंदाज कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।